यहाँ पे देखिए भाई, इस खूबसूरत पहाड़ों के बीच में जोशी मठ का गुरुद्वारा साहब है। यहाँ पे खूबसूरत क्या चाहिए इसको, गोप्रो चाहिए दोस्तों। हेलो बोल, हेलो गाइस बोल, हेलो हेलो बोल, पहले हेलो बोल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत प्रणाम है बद्री घाटी के खूबसूरत से शहर जोशीमठ शहर से। तो आपको पता है दोस्तों, कल हम यहाँ पे थे और शाम को हम गए हुए थे रामलीला देखने, लेकिन आपको पता है वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम अच्छे से देख नहीं पाए थे। और अभी हो गया बाल खराब, बुरी हालत हो चुकी है जोशीमठ से ऊपर से आए। और आजकल चलता है सीजन चैत्र मास का, जिसमें कि हम अपने ध्याणियाँ बोले तो जो अपने घर से जा रखे हैं इधर उधर, जिनकी शादी हो रखी है, जैसे सिस्टर लोग हो गए तो उनके घर जाते हैं मिठाई वगैरह देने चैत्र मास में। जैसे पापा है, पापा की सिस्टर्स भी है, जैसे हमारी सिस्टर है कोई आरती दीदी, तो वहाँ जा रहे हैं मिठाई देने। तो चलते हैं। तो पहुँच चुके हैं यहाँ पे दीदी के घर पे, दीदी शर्मा रही है अभी। तो यहाँ पे ताई जी भी आ रखी है आजकल यहाँ पे, तो देखे बच्चे भी है छोटे छोटे। क्या देख रहा तुम, कार्टून देख रहा? मामा बोल, मामा बोल तो मामा 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 मामा। चॉकलेट दे तो, चॉकलेट दे तो मेरे को। क्या चाहिए इसको, गोप्रो चाहिए दोस्तों। हेलो बोल, हेलो गाइस बोल, हेलो हेलो बोल, पहले हेलो बोल। ये गुस्सा छा दे, गुस्सा आ रहा है इसको, गुस्सा नहीं है। पहले मारुति भैया कहा है, मारुति भैया स्कूल जा रहा है। नहीं 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 नहीं, इसको कैमरा चाहिए, देखो कितना जिद कर रहा है। बाप क्या हुआ, ब्लॉग बनाना है उसको। ये 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 वो देखा ऐसे देखने। यहाँ भाई बहुत खतरनाक जाम लग रखा भाई, ऐसे पैदल चलना भी मुश्किल हो रखा है। देखो पूरा लंबा जाम है इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। तो दोस्तों अभी ना हम यहाँ पे जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब में, आपको दर्शन करा देते हैं, सभी गुरुद्वारा साहब दिखा दिया, अब चलते हैं अंदर, यहाँ पे दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। और ट्रैफिक इतना खतरनाक लगा हुआ है इधर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भाई, इस खूबसूरत पहाड़ों के बीच में जोशी मठ का गुरुद्वारा साहब है। यहाँ पे खूबसूरत लगता है, चारों तरफ पहाड़ देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक। और थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, केसावर में आ रखे हैं, थोड़ा जूते वगैरह निकाल करके हाथ मुँह धो करके, और जो है कपड़ा तो नहीं है सर पे, अंदर होगा अवेलेबल, वो पहन करके जाएंगे बढ़िया करके। है साफा, साफा पहन के चलते हैं बढ़िया करके, दर्शन कर लेते हैं। आज अच्छा मौका है, अच्छा दिन है, अच्छा महीना है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे, मैं जा नहीं पाया था कभी, टाइम नहीं हो पाता था क्योंकि ट्रैफिक था। चलते हैं अब अंदर, चलते हैं दर्शन के लिए। बहुत ठीक। तो दोस्तों फाइनली अंदर आ चुके हैं और दर्शन भी किए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सामने से है सड़क के पास में यहाँ पे, और बाबा जी थे अभी पढ़ रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब का जो होता ना तो यहाँ पे है। तो मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आया हूँ पहले भी, बट काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, तो अच्छा लगा यहाँ पे, दर्शन कर दिए वाहेगुरु जी के। और बाबा जी यहीं पे है, तो आप ग्रंथी साहब हैं है? अच्छा, तो दोस्तों बढ़िया लगा, अच्छे से दर्शन हुए हमारे आज, कोई भीड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। बाकी थोड़ा शर्मा रहे थे कैमरा शाही और मैनेजर साहब आ रहे हैं सेवा सिंह जी यहाँ पे गोविंद घाट से, और उतने देर तक हम रुकेंगे नहीं, किसी और दिन पूछेंगे यहाँ के बारे में, यात्रा कैसे चलेगी, इस बार क्या क्या प्रोग्राम है, क्या कुछ है, आपको प्रॉपर अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल जोशी मठ का माहौल अभी ऐसा है भाई, देखिए मौसम तो क्लियर है, बादल लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों आज इतनी गर्मी महसूस हो रही है भाई, यहाँ पर खड़े खड़े तो आइसक्रीम खा रहे हैं हम, बहुत टाइम बार खा रहा हूँ यार, ठंडों में तो आइसक्रीम बहुत कम होता है खाने का, तरफा दांत दर्द हो रहा है। नोल में खा रहे हैं, केसो पता नहीं कहाँ चले गए, अब गर्मी का मौसम यहाँ पे शुरू हो गया, अब आइसक्रीम का दिन है। बट जैसी गर्मी शुरू होती है हम पहुँच जाते हैं गोविंद धाम श्री हेमकुंड साहिब, जहाँ तो माइनस डिग्री में टेम्परेचर रहता है, कुछ ऐसे ही रहता है। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं अपने गाँव पे, गांव में आने की खुशी हमेशा अच्छी रहती है, तो गांव ऐसा दिख रहा है अभी, और हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, और चोटियों में तो भैया हमेशा बर्फ़ ही पड़ेगी मुझे लग रहा है इस बार,
ऐसे लग रहा पता नहीं कौन सा सीज़न है, इस सीज़न में तो होनी चाहिए थी अच्छी खासी गर्मी, और हमें सब बर्फ़ पड़ रही चोटियों में और नीचे पड़ रही है बारिश। मे भी शायद इस बार हो सकता है जो मानसून हो वो काफ़ी कम हो कहा गया है वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्या होता है, मानसून कम भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए बस। बाकी घर चलते हैं फटाफट। तो भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और घर आते ही देखे बारिश हो रही है ताबड़तोड़। और यहाँ पे अपना चिन्न कैसा है, कहाँ से आ रहा है? यह रोटी चाहिए इसको खाने के लिए, भूख लग रही। और जिस दिन से दवाई खिलाई ना उस दिन से थोड़ा अच्छा हो गया, ये खूब खा रहा है, खूब खा रहा है, और अच्छा हो गया, स्वास्थ्य ठीक हो गया इसका। फिलहाल भाई बारिश हो रही है ख़तरनाक, अब जाके थोड़ा सा आराम कर लेते हैं अंदर। यहाँ पे कालू भी है, कालू ले। इनका टाइम है भाई, भाई सब बहुत ठंडा लग रहा है, बारिश हो रही थी लगातार, मैं तो सो गया था। और भाई सामने देखो यार, अब जाके आपको दिख रहे होंगे ये पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बर्फ़ से ढके हुए एकदम। और अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है, और गोविंद घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ रखी है बहुत अच्छी खासी। और यार दोस्तों सच बताऊँ, जो कल वाला ब्लॉग था जिसमें मैंने बोल दिया था कि जो मेरा जो है लास्ट ब्लॉग है भाई, उसमें मतलब इतने कमेंट आए कि कईयों ने तो सच समझा, कईयों ने समझ गए थे मजाक। बहुत मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे कि रोना आ गया था, आंसू भी निकल गए थे, तुम लास्ट ब्लॉग बना रहे हो ये सोच करके, मतलब ब्लॉग देखते देखते करके। तो भाई मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा था ना, अभी यार मैंने बनाया ही क्यों होगा ऐसे करके, मैं तो बस एक मजाक के तौर पे वो बना रहा था। और बहुत लोग काफ़ी इमोशनल भी हो चुके थे जो जुड़े हुए हैं मेरे से, जो ब्लॉग्स देखते हैं। तो भाई मैं फिर से सभी को बहुत सॉरी कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सच में मुझे अंदाज़ा नहीं था, जब मैं कमेंट पढ़ने लगा तो भाई मेरे को खुद अजीब सा हो गया, बहुत इमोशनल हो गया मैं भी, कि यार मैं तो मजाक कर रहा था बोल के, और आप लोग सभी सीरियस हो गए थे, सीरियस मूड में थे आप लोग। सॉरी, अब से कभी भी ऐसी ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, एंड वीडियो या कुछ ऐसे जिससे कि आप इमोशनली हर्ट हो, ऐसा कभी नहीं बनाऊंगा दोस्तों, माफ़ कर दीजिएगा। वंस अगेन बोल रहा मैं, माफ़ कर दीजिएगा, सो सॉरी। और फिलहाल ब्लॉग डेली आते रहेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अभी तक ये चुन्नू मुन्नू देखो जो यहाँ पे खेल रहा है, पता नहीं छाते के साथ खेल रहा है, और ये भी अभी बिस्तर में सो रखा था, 2-3 घंटे नींद आ रखी थी इसका। क्या कर रहा छाते के साथ खेल कर रहा, छाते के साथ खेल कर रहा, ये देखो इसके साथ खेले गए। अरे 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 क्या ये, अरे 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 क्या ये, खेल 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 खेल। तो चुन्नू भी खेल कर रहा है, थक करके सो करके उठ गया, तो खेल कर रहा है अभी। तो दोस्तों जैसे हम अपने ध्यानियों के पास गए हुए थे कलियों देने, जो अपनी दीदी थी, और भी बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हैं जो ध्यानियाँ होगी, तो पापा लोग भी जाएंगे देने, और जैसे हमारे पास भी मम्मी भी ध्यानियाँ हैं अपने भाइयों की, तो उनके द्वारा भी घर पे बनाई हुई प्रसाद देखे क्या क्या भेजे गए हैं। इनको बोलते हैं रोटने भेजे गए हैं, और मटरी भेजी गई है, तो ये इस महीने में होता है, मैंने सुबह भी बताया था आपको, दिया जाता है। तो अब क्या करते हैं, जो भी प्रसाद बोले तो जो कलियों आता है, जो मिठाइयाँ आती है, तो यहाँ पे ना आसपास जो मोहल्ले में जो भी लोग हैं, अपने पड़ोसी लोग हैं, कोई भी लोग हैं, तो उनको भी जो है ना ऐसे करके थोड़े थोड़े पुड़िया करके, जितने भी फैमिलीज़ है, तो जो भी हमें कलियों मिला है तो वो बाँटते हैं एक फैमिली को। वैसे सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम, सभी लोग एक दूसरे को बाँटते हैं। तो भाई ये है कि पहाड़ों में ना हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ त्यौहार ही होता है। और जब अब हम मिठाई देने अभी जाएंगे ना किसी के यहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे कलियों दवा आ गए, मतलब तुम्हारे जो मिठाई देने वाले कब आए, घर ही पे आते हैं देने के लिए, ऐसे नहीं कि किसी के हाथ में पकड़ा के देने चले गए। अब जैसे पापा हैं, पापा भी जाएं, जैसे मैं आज दीदी के यहाँ गया था, और पापा भी जाएंगे, अपने जो दीदी है पुफू है हमारी, तो खुद ही जाएंगे, खुद ही देंगे मिठाई और वापस आ जाएंगे।
तो ऐसा होता है ये पूरा महीने भर में कोई कभी भी दे सकता है। किसी ने 20 दिन पहले दे दिया होगा, किसी ने 10 दिन पहले दे दिया होगा, हम भी जा रहे हैं काफ़ी लेट, पर देना ज़रूरी होता है। इससे एक यादें बनी रहती है और जो रिश्ता होता है और मजबूत होता है भाई और बहन के बीच। अब के टाइम पे तो फ़ोन है, फ़ोन कॉल्स है, वीडियो कॉल्स है, तो फ़ोन कर दिया वो कर दिया सब चलता है, आसान है। पर जिस टाइम पे नहीं हुआ करते थे तो साल में सिर्फ ये ऐसा महीना होता था जिस टाइम भाई अपने बहनों से मिलते थे कलियों दे करके, मिठाइयाँ दे करके। तो काफ़ी लाजवाब जो है यहाँ का कल्चर है पहाड़ों का, बहुत अच्छी लगती, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ हैं तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों ठंडा इतना हो रहा है ना आज, बस तो टाइम तो कम ही हो रहा है, 5 बज रहे, लेकिन भाई मतलब इतना ठंडा हो गया है कि अब आग जलाने की नौबत आ रही है। अभी से 8 बजे तक या तो बिस्तर में रहेंगे या तो आग जलाएंगे। आग जलाते ही ना यहाँ ऐसे तो आजकल ठंडियों का मौसम नहीं होता, लेकिन मौसम कुछ इस तरीके से ख़राब हो रहा कि ठंड लगी रही है। तो इस वजह से मम्मी ना आजकल जंगल से थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ लेके आ गई। ये रिंगाल होते हैं, ये जब सूख जाते हैं ना अच्छे जलते हैं, स्टार्टअप कहते हैं, आग जलाने का स्टार्टअप होता है। और ये रिंगाल से ही बांधा गया है इसको, जो कच्ची रिंगाल होती है उससे ही रिंगाल बांधा गया है जलाने के लिए। और लकड़ियाँ भी लेके आ रखी मम्मी, तो एक दो रिंगाल लेके चलेंगे आग जलाने के लिए। एक वैसे बहुत है, इसको पीसेंगे फिर अच्छी आग लगती है, फिर लकड़ियाँ जलाएंगे। ऐसे करके जल्दी से जल जाती है। अब इनके बाद इन पे लकड़ियां रखते हैं, तब जा करके आग बहुत बढ़िया जलती है। तो दोस्तों फाइनली जो सूखी रंगाल है उन पे आग अभी लगी हुई है, फिर ऊपर से मैंने ऐसे करके रखा, आग जल रही है। अब जो है लकड़ियों पे धीरे धीरे आग लगना स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमारी जल जाएगी गर्मा गर्म आग। तो ये स्टार्टर होते हैं, ये रिंगाल देखिए अभी तक जल रहा है। इनको फिर लकड़ियों के अंदर डाल दो ऐसे करके, फिर जल ही जाते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों मैंने बोला था कुछ देर इंतजार करिए और बिल्ले आ जाएंगे। यहाँ पे चुन्नू तो नहीं आया, सबसे बड़ी सिस्टर आ रही है इसकी, चूल्हे में ही जा रहा है, जल जाएगा भाई। इतना ठंडा लग रहा है तेरे को, हैं? इतना ठंडा लग रहा, ठंडा लग रहा, अरे मजाक कर रहा, आजा आजा, आ आ। तो दोस्तों अब जो है मम्मी बनाएगी खाना, आज बना रही है चूल्हे पे, क्योंकि यार चूल्हा जलता है सिर्फ आग तापने के लिए नहीं, अगर खाना बन रहा तो अच्छी बात है, क्योंकि लकड़ियाँ कम रहती है तो भाई गैस की बचत हो जाती है। और यहाँ पे आज मम्मी बना रही है टमाटर, शिमला मिर्च, आलू की सब्जी, दाल तो छेंची, दाल भी बना रही है। तो भाई बाहर फिर से बारिश आने लग गई, अंधेरा हो गया, 7 बज चुके हैं और मम्मी बना रही है यहाँ पे खाना और फिर डिनर करेंगे, सो जाएंगे। बाकी यार ठंडा बहुत हो रहा है आज, आग के सामने बैठे हुए हम। तो दोस्तों फिलहाल डिनर वगैरह हो चुका है, खाना वाना हो चुका है, अब थोड़ी एडिट वगैरह कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि आ रही है बारिश और ऐसे में कभी भी चांसेस होते हैं यहाँ पहाड़ों में कि जो खंबे होते हैं वो टूट जाता है पत्थर गिरने से पहाड़ों से, तो लाइट भी जाने की समस्या रहती है और जो नेटवर्क का टावर है वो भी जाने की समस्या रहती है। तो फटाफट कर लेते हैं आज का व्लॉग एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मानंदा देवी, जय हनुमान जी।